अभी हम सुबह उठे हैं तो मैंने कहा चलो आज खाना क्या खा। तो गाइस हम बनाने जा रहे हैं जी होम मेड केक, और वो भी बहुत सारे नट्स डालकर। इसके लिए हमने ये बटर लिया है, बटर देखें ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, और इस बटर को हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद इसमें जो है वो चीज़ें मिक्स करेंगे। तो अभी भी फ़िलहाल जी अभी हम अपने इन नट्स की तरफ आते हैं जी, और इनको थोड़ा हम दरदरा करेंगे। ये इसमें ये है चॉकलेट सिरप, हाँ ये चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट सिरप है, हाँ, और ये नट्स, और ये बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, कोको पाउडर है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये चीज़, ये हमने फ्लोर लिया है, ये कोई तकरीबन एक कप फ्लोर है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला कप हमने लिया जी, ये एक कप फ्लोर वाइट फ्लोर लिया हमने, और इसके अंदर जो है वो हम अपना कोको पाउडर जो है वो डालेंगे। और कोको पाउडर जो है ये देखें, ये इतनी क्वांटिटी के अंदर लिया, असल में ये जो है ये बन रहा है ब्राउनी, ब्राउनी बना रहे हैं हम, बिल्कुल जो ब्राउनी होती है ना ये, वो बिल्कुल ब्राउन केक बनेगा। और इसके साथ एक स्पून जो है ये हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये एक स्पून से ज़्यादा हमने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है दूसरी तरफ अपनी चीनी ले लेंगे जी, और चीनी को हम कर लेंगे ब्लेंड, और अच्छी तरह से इसका बिल्कुल पाउडर पाउडर बना लेना हमने इसका, हाँ मैदे की तरह का पाउडर बना लेना है। और दूसरी तरफ हमारा देखें ये मक्खन बटर भी हमारा जो है वो भी मेल्ट हो चुका है, और ये देखें ये बिल्कुल पानी की तरह हिलने लग गया। अब तो अभी थोड़ा मक्खन से ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी तरफ अब देखें तो हमारा ये मिक्सचर भी तैयार है, और अभी हम अपना जो है वो, तो ये हमारी चीनी है, पीस रहे हैं मेरा अभी चीनी, हाँ ये चीनी हमारी अभी ब्लेंड हो रही है जी अच्छी तरह से, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लग रहा होगा ही होगी पर नीचे से जब हम लोग खोलते हैं, हाँ ये हो गया जी। अभी हम इसको अपने अपने फ्लोर के अंदर जो है ये देखा हम इसको मिक्स कर लेंगे, ये हमने अलग से एक जार में ले लिया अलग जो है वो, और अभी ये देखें ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और दूसरी तरफ हम अपना एग जो है इसमें एग भी डालेंगे, और एग जो है ये इसको बीट करेंगे अच्छी तरीके से, और मतलब फेंटेंगे, और इसके साथ हमारा ये बटर बिल्कुल रेडी हो गया जी। और बटर और एग को हम अच्छी तरह से पहले बीट कर लेंगे, ये इसके अंदर डाल दिया हमने जी, और अब इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जी। और मिक्स करने के बाद हम इसको बाद में डालेंगे जी अपने फ्लोर के अंदर, और फ्लोर को अच्छी तरह से जो है वो हमने फिर बीट करना है। तो इसको पहले अच्छी तरह से हिला लेंगे हम, देखिए बहुत इसको वेल मिक्स करना है, बड़ा अच्छे तरीके से मिक्स करें इसको, अच्छी तरह हिलाते जाएं जी ताकि ये बिल्कुल हाँ ताकि ये एक जान हो जाइए बिल्कुल इस तरफ। अब हम नट्स लेते हैं जी, नट्स और इनको भी हमने हाँ इनको हमने दरदरा करना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना, दरदरा आपको पता है ना थोड़ा थोड़ा मोटा होता है, तो इस तरह की चीज़ें हमने इसकी रखनी है। ये देखें ये हम इसको पीस रहे हैं जी अच्छे तरीके से, दरदरा करना बस, हाँ ये देखें क्या बात है, ये बन गया इस तरह के आप कर लीजिए इसको, और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लें जी। ये हमारा जो चीनी है और साथ में एग है और बटर, ऐसा लग रहा है वो नहीं होता क्या कहते हैं, हेलो हेलो। तो ये जी शलूम देखें इसको हम अच्छा शेफ बना रहे हैं, और ये देखें ये इस दिन केक, उस दिन पिज़्ज़ा भी बनाया था। अभी ये जो चीज़ें हमने सारी मिक्स की आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा है, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और अभी हमने जो अपना फ्लोर लिया हुआ और कोको पाउडर मिक्स किया हुआ ये सारा मिक्सर, हाँ अब इसको मिक्स कर लें, अभी इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखें इस तरह का बैटर जो है ये बन जाएगा, ये इस तरह का बहुत थिक सा बैटर इसका बन जाएगा। जब भी मैं इसको हला हला के एक जान सारी चीज़ों को कर लेते हैं, हाँ तब मैं ऐसे ही करता हूँ, हाँ। ये आपको है। दिखाते हैं इस तरह के, ये इस तरह इस गिरना चाहिए, अभी ये देखिए कितना थिक हो गया है। और अगर मैं पहले भी एक बार बनाने को की थी पर वो थिक नहीं था बना, वो थिक नहीं था बना, ये इसमें थोड़ा, चूँकि हम इसको ब्राउनी बना रहे हैं तो चॉकलेट सिरप हमें थोड़ा और ऐड करना पड़ा, ये चॉकलेट सिरप है, इससे पहले हमने वो ऐड किया था कोको पाउडर, कोको पाउडर ऐड किया था, ये भी इसका हम लोग सांचे के अंदर, अभी हम हाँ जिस सांचे का हमने डाला है उसके अंदर पहले हमने ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद फिर हमने उससे बटर पेपर लगाया, हाँ क्योंकि हमारी फोन की बैटरी थी वो पूरी लो हो गई थी, ये जी ओवन में चला गया जी हमारा केक रेडी होने के लिए, और ये हमने इसको टाइम लगा दिया 190 डिग्री पे हमने रखा है, और इसको 20 मिनट का भी किया है, 20 मिनट 10 मिनट तक जब ये पकता नहीं तब तक हमने लगा दिया, अब ये देख सकते पक गया क्या बात, उई 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 ये इसके ऊपर कोको बीन्स लगाए हमने
ये भी हो रहा है, ये देखो ये गर्म है, गर्म है। अच्छा ऐसे ही निकालते हैं, पूरी जाली के साथ ही निकाल लेते हैं। चलो जी ये है जी हमारा केक पक के हो गया रेडी। क्या ये केक रात में शालूम ने, और ये रात में चूंकि बहुत लेट हो गया था और मैं भी सो गया था, तो ये केक बना के ना सो गए थे। अभी हम सुबह उठे हैं तो मैंने कहा चलो आज खाना क्या खाना है, आज नाश्ता जो है शालूम का केक जो इसने रात में बहुत ज्यादा, समझ रहे हो आप ज्यादा इसने नट्स डाले हुए थे इसमें। अभी टेस्ट करते हैं किस तरह का बना है। तो आज हमारा जो नाश्ता है वो होममेड केक के साथ ही है। आप भी इस तरह की चीज़ें घर में बनाया करें, हेल्दी होती हैं, बाकी बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो हेल्थफुल नहीं होती। तो ये एक हेल्दी चीज़ है जो शालूम ने बनाई है। ये तीन कप है, एक मेरा, एक शालूम का और एक इसकी मॉम का है। चलो शालूम केक काटो यार, तो मुंह में पानी आ रहा है केक देख के यार। मेल्ट करके डाली है, नहीं ये चॉकलेट सिरप है, ये चॉकलेट सिरप है आपका। करने लगा है जी टेस्ट, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। इस साइड कर पर देखें केक, ये बहुत ज्यादा हेल्दी केक है, इसमें काफी ज्यादा इसके अंदर भी नट्स हैं। ये चूंकि इसमें उन्होंने ऑलमंड्स भी डाले हुए हैं, इसमें उन्होंने किशमिश सौगी भी है, और इसके अंदर क्या उसको कहते हैं वॉलनट भी है, और क्या डाला है, हाँ डेट्स भी, खजूरें भी हैं, खजूरें भी हैं इसके अंदर डाली हुई। ये बहुत हेल्दी केक बनाया है इन्होंने। सॉरी चलो तो ये तो मेरा टेस्ट करो जी। जो ब्राउनी हाँ उसमें जो कि वो नट्स वगैरह नहीं ना होते, वो तो ब्रेड होती है और ब्राउनी होती है बस, वो उसके थोड़े से ऊपर ही होते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत डाले हैं। हाँ इसके तो अंदर भी बहुत ज्यादा इन्होंने नट्स डाले हैं जी। ये है जी शालूम का आज का ब्रेकफास्ट, जो कि इसने रात में तैयारी करके खुद बनाया और तैयार करके खाया नहीं ना टेस्ट किया, सुबह में अब इसको कर रहा है जी टेस्ट। रात रख दिया था जो कि ये सो गया था, सारा कुछ करके जब इसको अंदर रखा, तो फिर जिसको जब इसको पकाने के लिए रखा ना ओवन के अंदर, तो फिर उसके बाद सो गया था। क्या डर लगा था? हाँ उनको चलाने का। अच्छा तो ये है जी, अभी मैं भी टेस्ट करता हूँ, मैं इनके साथ नहीं था जब इस ये बनाया केक। हाय हाय इतना सुकून, बहुत मज़े का, बहुत ही हेल्दी है और शुगर भी नॉर्मल है, जैसे बाजार के केक होते हैं बहुत हाई शुगर की, जो शुगर पेशेंट नहीं खा सकते ना वैसा नहीं है, बहुत ही मज़े का केक है। और इस तरह की चीज़ें आप घर में बनाया करें, ट्राई किया करें, ताकि आप हेल्दी चीज़ों का लुत्फ़ जो है वो कर सकें। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।